हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नैरोबी और आज है हमारा थर्ड डे, द थर्ड डे टू प्रैक्टिस आवर थर्ड मैजिक प्रैक्टिस, ओके, आउट ऑफ आवर 28 डेज ग्रैटिट्यूड चैलेंज। सो आई हैव टू कंफर्म माय वर्क डन, माय अफर्मेशंस, सॉरी, माय ग्रैटिट्यूड। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है हाउ टू राइट इट। बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कौन से कलर से लिखें, कोई मुझे पूछ रहा है कि जो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है सुबह लिखें कि दोपहर को लिखें कि रात को भी लिख सकते हैं। देखो, ग्रैटिट्यूड एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस है, वो हम दिन में कभी भी लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट सिंस जो हम जिस हिसाब से रोंडा ब्रायन ने इस चैलेंज को प्लान किया है ना 28 डेज के लिए, तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया, एक मॉर्निंग एक्टिविटी फिक्स कर दी, एक नाइट एक्टिविटी फिक्स कर दी, एंड देन बीच में डिफरेंट 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 एक्टिविटीज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके वो बीच में डालेंगी, राइट। तो फॉर दिस चैलेंज जो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है हमने ग्रेटफुल एंड विद द रीजन, वो हमने मॉर्निंग में लिखनी है अपना दिन स्टार्ट करते वक्त। सो जो लोग हाउस वाइव्स हैं उनको सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन करना है, इट्स ओके, अपने मॉर्निंग कोर्स फिनिश कर लो, नाउ योर पर्सनल डे स्टार्ट एंड देन सिट एंड राइट आराम से, सो नो वरीज अबाउट दैट। ठीक है, नंबर वन मैंने क्लियर कर दिया। नंबर टू मैंने कैसे लिखा है, आई विल टेल यू, बिकॉज सो मेनी डाउट्स आर कमिंग अप। सपोज मैंने लिखा, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव बिकॉज इट गिव्स मी प्लेजर, इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस एंड द फ्रीडम टू बाय एवरीथिंग आई डिजायर फॉर एंड माय हैप्पीनेस एंड फॉर माय हैप्पीनेस एंड कंटेंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, फॉर सेकेंड एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कार्तिका नायर ने सिंको शक्ति ने मुझे इंटरव्यू दे के मुझे ब्रेक दिया, राइट। चाहे वो यूनिवर्सल प्लान था लेकिन निमित कौन बना, शी हैज़ बिकम द निमित ऑफ इट, राइट। आई एम ग्रेटफुल टू कार्तिका बिकॉज ड्यू टू हर आई एम एबल टू शेयर माई सेल्फ टू अ बिगर ऑडियंस एंड ऑल्सो आई एम एबल टू अर्न मनी थ्रू माई पैशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप समझे, तो ये हमने लिखने ही लिखने हैं। सो ये पता है, रोज धीरे धीरे निकालोगे तो इतनी ब्लेसिंग्स निकलेंगी कि आंखों में आंसू आ जाएंगे, फिर सोचोगे भगवान जी आपने तो इतना कुछ दिया हुआ है। सो अभी तक क्या था, फोकस हमारा लैक की तरफ जा रहा था, कमियों की तरफ। अब हमारा फोकस कॉन्शियसली कहाँ जा रहा है, रोज हमारी लाइफ की अच्छाइयों की तरफ, हमारी लाइफ की अबंडेंस की तरफ, हमारी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है उसकी तरफ। ठीक है, सो आज की थर्ड एक्टिविटी है मैजिकल रिलेशनशिप्स। कल मैंने आप सबको कहा था कि हमको एक 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 फोटोग्राफ रखनी है, और अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं है तो आप उसकी फ़ोन के अंदर फोटो भी सेव कर सकते हो। एनी थ्री रिलेशनशिप्स यू वॉन्ट टू टॉक और फील ग्रेटफुल अबाउट, उनकी पिक्चर्स अपने सामने रखनी है। ठीक है, एक्टिविटी मैं 2-3 मिनट के बाद बताऊंगी, बिकॉज आफ्टर रीडिंग द बुक आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने रीड द होल एक्टिविटी। आई एम टेलिंग यू, एवरी टाइम आई रीड दिस बुक कुछ ना कुछ नया निकलता है, इसलिए दिस टाइम आई एम रीडिंग द बुक विद यू एंड टेलिंग यू द होल कॉन्सेप्ट। वीडियो लॉन्ग होती है तो हो जाए, बट ये समझ आएगा तो हम आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। सेकेंड रीजन ये भी है बुक रीड करने का, साथ में सो मेनी पीपल हैव मैसेज्ड मी कि प्रिया प्लीज़ इंग्लिश में कर दो, तो फिर आई फील वेरी बैड। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख तो देती हूँ लेकिन रह जाता है फिर भी ना। सो वट आई विल डू इज आई विल रीड द बेसिक, आई एम नॉट रीडिंग द होल चैप्टर, जो बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे क्लिक करी हैं, जो सच में नॉलेज है, जो सच में एक आई ओपनर है, और आप लोगों को वो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए बिकॉज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंग्लिश में रीड करके उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी, सो नॉट टू वरी, ओके, लेट द वीडियो बी लिटिल लॉन्ग। देखो यार, जिंदगी में कुछ अच्छा सीखना और कुछ करना है थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, ओके, सो बेयर विद मी। सो डे थ्री इज द मैजिकल रिलेशनशिप्स। मैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही पढ़ूंगी, मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। सो दे से इट इज योर कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंसिस विद अदर पीपल दैट गिव्स योर लाइफ जॉय, मीनिंग एंड पर्पस। ऑब्वियसली अगर तो मैं अकेली ही हूँ इस पूरे प्लानट पे, तो मेरा कुछ करने का मन करेगा नहीं, तैयार होने का मन करेगा नहीं, कुछ नया इन्वेंट करने का मन करेगा नहीं, बिकॉज आई नो देर इज नोबडी ऑन द प्लैनेट। मैं अकेली ही हूँ तो किसने मुझे देखना है, किसने अप्रिशिएट करना है, किसने मेरी इन्वेंशन को यूज करना है, तो यू और लाइफ इज मीनिंगलेस। सो बेसिकली दे से जो हमारा कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हम अपने लोगों से या रिलेशनशिप्स हमारे बनते हैं, चाहे वो फ्रेंडली हो, पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, एक्वेंटेंसेज हो, इट इज़ योर कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंसिस। दूसरे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आना और उनके साथ जो हमारे एक्सपीरियंसिस होते हैं, वही हैं जो हमें लाइफ में या जॉय देते हैं, या हमारी लाइफ को मीनिंग देते हैं, या हमारी लाइफ को पर्पस देते हैं। गॉट इट? दैट इज द रीजन वी नीड पीपल इन आवर लाइफ, वी आर सोशल एनिमल्स। नेक्स्ट इज टू रिसीव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, इट्स वाइटल दैट यू अंडरस्टैंड हाउ योर रिलेशनशिप्स अफेक्ट योर लाइफ नाउ।
अपनी जिंदगी के जो भी सपने पूरे करने हैं, जो भी हम मैनिफेस्टेशंस के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ में होना चाहिए, उसके लिए हमें हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में हमारा कैसा चल रहा है, क्या कनेक्शन है, किस लेवल पे है रिलेशनशिप, वो बहुत बहुत मैटर करता है. एंड हाउ दे आर द मोस्ट पावरफुल चैनल फॉर ग्रेटिट्यूड टू स्टार्ट मैजिकल चेंजिंग योर लाइफ. और ये रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं, मैं कहती हूँ एक जानवर के साथ भी जो आपका रिश्ता है ना, आपके डॉगी के साथ, आपकी कैट के साथ, अनजान लोगों के साथ, आपकी मेड्स के साथ, स्वीपर्स के साथ, बाहर की दुनिया के साथ, और अपने पर्सनल जो भगवान जी ने रिश्ते गिफ्ट में दिए हैं उनके साथ, ये रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट हैं. और इस रिश्तों के अंदर ग्रैटिट्यूड कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी हम आज जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं. तो सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे अभी समझ आई है, जो मैंने अभी पढ़ी है, एंड इट इज़ अमेजिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. साइंस इज नाउ कन्फर्मिंग दैट विजडम ऑफ द ग्रेट सेजेस, जो पुराने जमाने के जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों का जो विजडम था, उन लोगों की जो सोच थी, जो उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे थे, साइंस ने उसे प्रूव किया है विद रिसर्च स्टडीज शोइंग दैट पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड हैव क्लोजर रिलेशनशिप. जो लोग अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, उन वो अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा क्लोज होते हैं, ज़्यादा लविंग होते हैं, आर मोर कनेक्टेड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स. वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, एंड हैव अदर पीपल लुक अपॉन देम फेवरेबली. और उनके आसपास के जो अनजान लोग भी हैं या नॉर्मल हाई हेलो वाले फॉर्मल लोग भी हैं, वो भी उनकी तरफ ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, ज़्यादा प्यार से देते हैं, जो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. ये साइंस ने प्रूव किया है. अभी आप नेक्स्ट चीज़ देखो, जो साइंस ने सेकंड चीज़ ऑब्जर्व करी है अपनी रिसर्च वर्क में, जनता को देखते हुए या साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करके उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए जो साइंस ने डिस्कवर किया है वो ये है, बट प्रोबेबली द मोस्ट एस्टाउंडिंग स्टैटिस्टिक्स दैट हैज कम आउट ऑफ रिसर्च स्टडीज इज दैट फॉर एवरी वन कंप्लेंट अबाउट अनदर पर्सन, वेदर इन थॉट और वर्ड, देयर हैव टू बी 10 ब्लेसिंग्स फॉर द रिलेशनशिप. अब ये मैं समझाती हूँ. ओके, जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ, और हम लोग हमेशा जो लोग जिन लोग के हस्बैंड जिन लोग के फैमिली में लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि अगर आप एक पैग या एक ग्लास ऑफ अल्कोहल पी रहे हो तो नेक्स्ट कमिंग डेज में उसे कंपनसेट करने के लिए, बॉडी की ड्राइनेस को हटाने के लिए, कम से कम 2 or 2.5 glasses ऑफ वाटर पीना बहुत ज़रूरी है. ये तो हो गया बॉडी का पार्ट. अब आ जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो या हाउ फीलिंग्स आर वर्किंग और हाउ ग्रैटिट्यूड इज वर्किंग. ये कहते हैं जितनी अगर आप अपने किसी भी रिश्ते के लिए एक कंप्लेंट करते हो, बोल के करते हो कि तू ऐसा करता है ना, तू अच्छा नहीं है, मेरे इस रिश्ते में बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल आई हेट दिस रिश्ता फॉर दिस 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 रीजन, आपने एक कंप्लेंट करी या आपने एक क्रिब करा, उस रिश्ते को अब वापस सुधारने के लिए उस एक कंप्लेंट की बदले में मुझे कम से कम उस रिश्ते की 10 blessings काउंट करनी पड़ेंगी, तभी वो रिश्ता फ्लरिश होगा, नहीं तो नहीं होगा. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, मैं आज के बाद ध्यान रखने वाली हूँ, पक्का रखने वाली हूँ. आप समझो, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द प्रोबेबली बट प्रोबेबली द मोस्ट एस्टाउंडिंग स्टैटिस्टिक्स दैट हैज कम आउट ऑफ रिसर्च स्टडीज इज दैट फॉर एवरी वन कंप्लेंट अबाउट अनदर पर्सन, वेदर इन थॉट और इन वर्ड, देयर हैव टू बी 10 blessings फॉर द रिलेशनशिप टू फ्लरिश. अमेजिंग. एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस, एनी लेस देन 10 blessings फॉर एवरी वन कंप्लेंट एंड द रिलेशनशिप विल डिटेरियोरेट. अगर आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो अपनी हर कंप्लेंट के अगेंस्ट में उस इंसान की 10 blessings लिखो, बहुत ज़रूरी है. नहीं तो अगर 10 से कम भी करोगे तो आपका रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, एंड इफ द रिलेशनशिप इज अ मैरिज इट विल मोस्ट लाइकली एंड इन डिवोर्स. समझ आ रही है? सो मैंने जो वीडियो बनाया था कि पीपल इन द मेस राइट नाउ हैज टू डू दीज थिंग्स, उस वीडियो में ध्यान से सुनना मैंने क्या लिखा है. हम कचरे में भी बैठे हैं ना, हम गंद में बैठे हैं, गंदगी में बैठे हैं, और हमें इस गंदगी से बाहर निकलना है तो कोई आके हाथ लेके निकाल के नहीं जाएगा. मुझे उस गंदगी में से अच्छा ढूंढना है, और उसके लिए फटाफट थैंक्स ग्रैटिट्यूड करना शुरू करूंगी तो धीरे धीरे सिचुएशंस मेरी पलटी खाती जाएंगी और नई नई सिचुएशंस आ जाएंगी और मैं उस गंद में से बाहर निकल जाऊंगी. दिस इज द ओनली नियम, दिस इज द ओनली तरीका टू कम आउट ऑफ इट.
कुछ भैया नहीं समझ आता ना, फिर भी ग्रेटफुल रहो उन चीजों के लिए, निकालो चीजें, निकालो ग्रेटफुल रहने के लिए। मैं कहती हूँ मैजिकली बाहर निकलोगी, और ये सच है, ये सच है। मैं तो अनजाने में ग्रैटिट्यूड करती आ रही थी, इतने सालों से करती आ रही थी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड क्यों मेरी लाइफ में वो छुटपुट चीजें, नेगेटिव इमोशंस, ये वो सब नहीं होता, बिकॉज ऑफ आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर एनी एंड एवरी थिंग। एनी वेज, नेक्स्ट थिंग इज ग्रैटिट्यूड मेक्स रिलेशनशिप फ्लरिश। ग्रेटफुल रहना, थैंकफुल रहना, अपने रिश्ते में अच्छाइयाँ ढूंढ के अच्छा बोलना, वो हमारे रिश्ते को और फ्लरिश करेंगी। एज यू इंक्रीज योर ग्रैटिट्यूड फॉर एनी रिलेशनशिप, जैसे जैसे आप अपने किसी भी रिश्ते के लिए थैंकफुल होना बढ़ाते हो, यू विल मैजिकली रिसीव एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड थिंग्स इन दैट रिलेशनशिप। आपको खुद फील होगा कि ये तो जादू हो रहा है यार, ये रिश्ता मेरा अच्छा होता जा रहा है, सामने वाला मेरे लिए और पॉजिटिव, अच्छा और एक्सेप्टिंग होता जा रहा है। एंड ग्रैटिट्यूड फॉर योर रिलेशनशिप डजेंट चेंज ओनली योर रिलेशनशिप, इट ऑल्सो चेंजेस यू। जब हम किसी को ग्रेटफुलनेस दे रहे हैं, जब हम उसकी अच्छाइयाँ दे रहे हैं, तो अब वो रिश्ता ही नहीं ठीक होता, उसके साथ साथ हम भी ठीक होते हैं। अब हम कैसे ठीक होते हैं? लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो दोगे वो मिलेगा। तो मैं क्या दे रही हूँ? मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, मैं उस इंसान की अच्छाइयाँ गिन रही हूँ। तो जब मैं ये फीलिंग्स दे रही हूँ, तो वही फीलिंग्स और वैसे ही ग्रेटफुल रहने की फीलिंग मुझे लाइफ में और मिलेगी, तो मेरे अंदर बदलाव भी आएगा, बिकॉज मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, मुझे अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा, मुझे थैंक्स मिलना शुरू हो जाएगा, मेरी नेचर, मेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो मैं भी तो फ्लरिश कर रही हूँ ना। आप समझे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, नो मैटर वॉट योर टेम्परमेंट इज नाउ, इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परमेंट कुछ भी है, आप गुस्से वाले बन गए हो, रोने वाले बन गए हो, क्रीमिंग वाले बन गए हो, कुछ भी बन गए हो, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करते जाओगे, अपने रिलेशनशिप को ग्रेटफुल होते जाओगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी चेंज होती जाएगी, आपकी एनर्जी और पॉजिटिव और हेल्दी होती जाएगी। तो आपका जो टेम्परमेंट अभी कैसा भी है, नेचर में चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, नेगेटिव देखने का है, आपके टेम्परमेंट में भी चेंजेस आने लग जाएंगे। ओके, नो मैटर वॉट योर टेम्परमेंट इज नाउ, ग्रैटिट्यूड विल गिव यू मोर पेशेंस, मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर कंपैशन एंड काइंडनेस, टू द पॉइंट वेयर यू वोंट इवन रिकग्नाइज योर सेल्फ। आप आज की स्थिति में, आपकी नेचर कैसी भी हो, चिड़चिड़ी हो, गुस्से वाली हो, क्रिबिंग हो, ब्लेमिंग हो, इम्पेशेंट हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है दूसरों के लिए, कंपैशन नहीं है, आप जैसे मर्जी अभी हो, लेकिन जिस दिन से आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दोगे ऑन अ मैसिव लेवल, करना शुरू कर दोगे, आपको क्या क्या होगा, आपके अंदर चेंजेस आएंगी। ग्रैटिट्यूड आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके कैरेक्टर में पेशेंस लेके आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा, कंपैशन दूसरों के लिए प्यार लेके आएगा, काइंडनेस लेके आएगा, उस लेवल तक लेके आएगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाओगे, लोग भी बोलेंगे वाह प्रिया, ये तो बड़ा कमेंडेबल चेंज है तेरे अंदर, समझ रहे हो। सो नेक्स्ट इज द लिटिल इरिटेशन यू वंस फेल्ट एंड द कंप्लेन यू हैड इन योर रिलेशनशिप्स विल डिसअपियर, बिकॉज वेन यू आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर अनदर पर्सन, देर इज नथिंग यू वॉन्ट टू चेंज इन दैट पर्सन। उस इंसान के लिए आपके मन में थोड़ी सी इरिटेशन थी, थोड़ा सा गुस्सा था, या आपको उसके उसके साथ अनइजीनेस थी, किसी भी कारण से थी, लेकिन जब आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो, आप उसकी भी एनर्जी चेंज कर रहे हो, आप अपनी भी एनर्जी चेंज कर रहे हो, फिर जब आप उसकी अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दोगे, तो यू विल फॉल इन लव विद हिम, फिर आपको उसके अंदर कुछ चेंज करने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएंगी। जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, अपने कॉलेज टाइम को याद करो, जब हम यंग होते थे और इन्फैचुएशन होती थी, तो हम कितने पागलों की तरह, दीवानों की तरह उस इंसान के बारे में सोचते होते थे, पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, खाना खा लो, भूख है नहीं है, कुछ होश नहीं होता था, वी वर बैडली इन लव विद दैट पर्सन। ये वो वाली फीलिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो जब वो आ जाएगी, तो यू आर इन लव, यू 24/7 एमिटिंग लव एंड पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड और गुड फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, और गुड फीलिंग्स ही आनी शुरू हो जाएंगे, और रिश्ते भी सुधर जाएंगे। इट इज दैट मैजिकल, आई मीन ट्रस्ट मी, इट इज दैट मैजिकल। यू वॉन्ट क्रिटिसाइज, कंप्लेंट अबाउट और ब्लेम देम, बिकॉज यू आर टू बिजी बींग ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स अबाउट देम, इन फैक्ट यू वॉन्ट इवन बी एबल टू सी द थिंग्स यू यूज टू कंप्लेंट अबाउट। आप इस हैबिट को अपने कोर में इतना डीपली ले आओ कि आपको इतनी आदत पड़ जाए तारीफ करने की, उस इंसान की अच्छाई निकालने की, आपकी इतनी आपको हैबिट हो जाए, इतने बिजी हो जाओ, आप सिर्फ अच्छाई में, हैप्पीनेस में, ग्रैटिट्यूड में इतने बिजी हो जाओ कि आपको उसकी गलतियां दिखेंगी ही नहीं, दिखनी ही नहीं है, फील ही नहीं आएगा। ही सेड
आप बल्कि भूल जाओगे कि आपने कभी उस इंसान के अंदर ये चीजें ढूंढ के क्रिटिसाइज भी करी थी। इतना मैजिकल चेंज आ जाएगा आप में भी और आपके नजरिए में भी। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, सो व्हेन यू कंप्लेंट अबाउट एनी पर्सन यू एक्चुअली हार्म योर लाइफ। मैं यही बोलती हूँ, हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे को गाली दे रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं आप अपना नुकसान कर रहे हो, बिकॉज आप गाली दे रहे हो, आप विद इमोशन दे रहे हो, वो इवेंट याद करके वो दे रहे हो, तो आपने उस इवेंट को फिर से रीलिव कर लिया। यूनिवर्स कहता है तुझे क्या फीलिंग्स आ रही हैं, गुस्से वाली आ रही हैं, हाँ गाली वाली आ रही हैं, ले बेटा और ले ले गाली वाली फीलिंग्स। ओके, इट इज योर लाइफ दैट विल सफर, वेरी राइट। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन यू ब्रिंग इट टू यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तू दूसरे के बारे में जो सोचेगा जो बोलेगा तुझे मैं वही गिफ्ट में दूंगा। सिंपल, दिस इज अ वेरी रीजन वाई द ग्रेटेस्ट माइंड एंड टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टोल्ड अस टू बी ग्रेटफुल। जितने भी बड़े साधु संत रहे हैं, जितने भी रिलीजियस प्रीचर्स रहे हैं, हर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ग्रेटफुल रहना ही की है। खुश रहने के लिए, सक्सेस पाने के लिए ग्रेटफुल रहना इज द बेसिक की ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। दे न्यू दैट फॉर यू टू रिसीव मोर इन लाइफ, फॉर योर लाइफ टू मैजिकली इंक्रीज यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर अदर्स जस्ट एज दे आर। वॉट इफ एवरी पर्सन क्लोज टू यू सेड आई लव यू जस्ट द वे यू आर, हाउ वुड यू फील? क्योंकि हमारे उन पुराने साधु संतों को या पुराने ये जितने प्रीस्ट हैं इन सबको ये पता है कि दिस इज़ द ओनली तरीका। अगर हम और इनको कथा समझाने लग जाएंगे इनको समझ नहीं आएगी, इनको शॉर्टकट दो बेटा, ग्रेटफुल रहो हर चीज़ के लिए, तो माई लाइफ में अपने आप सब कुछ आता जाएगा, अपने आप सब कुछ आता जाएगा। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक बार इमेजिन करके देखो कि आपके पास जो भी, आपके आसपास जो भी इंसान है, क्लोज रिलेशनशिप, एक्वेंटेज, फ्रेंड्स, एनी बडी, अगर वो हर बार आपको जब भी मिले और आपको बोले प्रिया आई लव यू द वे यू आर एंड आई एक्सेप्ट यू, तो जैसी है मुझे बड़ी पसंद है, कैसी फीलिंग आएगी आपको? कैसी फीलिंग आएगी सोचो अभी। मेरे को तो अमेजिंग फीलिंग आएगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं तो सामने वाले के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी, कुछ भी, यू नो, अच्छा बनाओ, उसको खुश रखो, उसको हैप्पीनेस दो। ये आप नोट करो, ये फीलिंग हर इंसान जो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, क्यों बच्चों को हमें अनकंडीशनल देने का मन करता है? बिकॉज वो आपको एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो, वो आपको प्यार करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको फेथ करते हैं, इसलिए बच्चों के लिए आपको सब कुछ करने का मन करता है ना? ग्रेट, इट्स अ ब्यूटिफुल चैप्टर, आई लव इट। लंबी होने दो वीडियो, इट्स लेसन्स एंड लर्निंग्स। ओके, सो टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर। इवन इफ ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप्स आर करंटली गुड, दे विल इंक्रीज विद मोर मैग्निफिसेंट through this practice and with everything you find to be grateful for each person you will be seeing that you perform. Okay, आपके रिश्ते अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, आज की प्रैक्टिस में हमने तीन लोगों को ढूंढना है, उनकी फोटो अपने पास रखनी है और उनको अनकंडीशनल थैंक्स देना है। आप जैसे भी हो, मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, आपने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा योगदान दिया है, मैं आपके साथ रहती हूँ तो ऐसा 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 फील होता है, आपने मेरे लिए ये सब किया है, सो आई एम सो डैम ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, एक्टिविटी, सो दे से चूज थ्री ऑफ योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप टू बी ग्रेटफुल फॉर। यू माई चूज योर वाइफ, योर सन, योर फादर, योर बॉयफ्रेंड, योर बिजनेस पार्टनर, योर सिस्टर, यू माई चूज योर बेस्ट फ्रेंड, ग्रैंड मदर, अंकल, यू कैन चूज एनी थ्री रिलेशनशिप दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू। ये मैंने आपको समझाया अभी। एंड हैव अ फोटोग्राफ ऑफ ईच पर्सन, द फोटोग्राफ कैन बी जस्ट अ पर्सन और बोथ ऑफ यू टूगेदर। ओके, he says once you have selected your three relationships and photographs you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are most grateful for each person. Teen pictures le li, relax ho ke baitho, ek picture ko dekho, feel lo what you have the relationship with that person, since how long, what feelings he has given, he or she has given you, what a help, physical, mental, emotional, psycho, which kind of help or feeling she has given or he has given you, usko feel karo, uske liye grateful note likho, write on a piece of paper or your to diary. So and so, suppose it is papa, I love you, I'm so grateful that you are my father, I know you have guided me unconditionally, you have loved me unconditionally, you have given me so and so. Bhale kisi ke papa gusse wale hain, bhale kisi ke papa ne zindagi mein bahut daant diya hai, bahut gussa kiya hai, aapko pareshan kiya hai, you're not happy with that kind of a father, but still he's a human being, but still he has at least one quality. ध्यान से सोचना है, डिग इन करना है, उनकी वो अच्छी चीज निकालनी है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है और वो लिखना है, और कमिंग डेज के अंदर यू विल सी वही पापा जिससे आप गुस्सा थे, रिश्ते अच्छे नहीं थे, वही सॉफ्ट हो जाएंगे और रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे।
सो वॉट आर द ओके आफ्टर यू हैव स्पेंड सम टाइम थिंकिंग अबाउट वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट द पर्सन बट देयर फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू एंड विद अ पेन एंड नोटबुक और ऑन द कंप्यूटर चूज द फाइव थिंग्स यू राइट मोस्ट ग्रेटफुल फॉर लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द पर्सन टू मेक यू फील द लिस्ट ऑफ द फाइव थिंग्स बिगिनिंग सेंटेंस विद द मैजिक वर्ड्स थैंक यू अगेन फोटो अपने सामने रखी है इसमें कंप्यूटर का ऑप्शन दिया है बट मैं आपको नहीं दे रही हूँ हाथ से लिखना इज मोर इम्पॉर्टेंट सो अपने लिए उस इंसान की फाइव चीज़ों के लिए थैंक्स लिखो ठीक है एंड यू कैन स्टार्ट द स्टेटमेंट विद द मैजिकल वर्ड थैंक यू एग्जाम्पल आई थैंक यू सपोज पापा फॉर एंड देन द आंसर फॉर एग्जाम्पल थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ थैंक यू पापा फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी अनकंडीशनली थैंक यू पापा फॉर ऑलवेज बींग देयर इवन इफ आई डू एनी मिस्टेक थैंक यू पापा फॉर एक्सेप्टिंग मी अनकंडीशनली ओके दिस इज थिंग So when you finish your lines for the three people, continue with the magical practice by taking the photograph with you today and putting them in the place where you still see them often, wherever you look at the photograph today. Thank you for okay. अब इन तीन pictures को अपने साथ रखना है अगर आप office जाते हो तो अपने साथ रखो दिन में तीन चार बार ये activity करनी है दिन में तीन चार बार ये activity करनी है Okay, if you're moving around a lot, carry the photograph with you in your bag or the pocket and make an effort to look at the photograph three times during the day following the same procedure. अगर आप लोगों का work profile चलते फिरते रहना है, field work है, काम कर रहे हो, एकदम से बार बार एक table का sitting नहीं है, carry the pictures with you in the bag or in your pocket and make sure, कोशिश करो कि वो picture दिन में तीन चार बार आपने देखनी है और अगर आपके आपकी सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही लिखना तो उनके पिक्चर देखकर उनको बोलो थैंक यू सो मच फॉर दिस 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 अनदर थ्री अनदर फाइव एस्पेक्ट्स अनदर फाइव एस्पेक्ट्स ओके सो नाउ यू नो हाउ टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर्स टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप्स इनटू मैजिकल रिलेशनशिप ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बुक यू मे वॉन्ट टू टेक द अमेजिंग प्रैक्टिस एंड यू डू इट एवरी डे इफ नेसेसरी टू मेक द ऐप ओके वो कहते हैं भले ही मैं इस एप्लीकेशन को नहीं बोल रही हूँ इस चीज़ को कि आप डेली करो नॉट नेसेसरी बट आप इसको अपनी जनरल प्रैक्टिस बनाओ बिकॉज नाउ यू नो कि एक कंप्लेंट करूँगी ना तो उसको सुधारने के लिए 10 ब्लेसिंग्स मुझे देनी ही पड़ेंगी बोलनी ही पड़ेंगी पूछनी ही पड़ेंगी ओके सो थर्ड एक्टिविटी हमारी रेडी है Choose three of your closest relationships and collect a photo of each person. With the photo in front of you, write five things you are most grateful for each person. Begin each sentence with the word thank you. Carry these photographs with you today and put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on the, at least three occasions and verbally speak thank you for. Activity ke liye kuch prepare nahi karna, to main kal ki activity kal hi leke aaungi and I will try to give it. अपलोड इट टू नाइट ओनली ताकि अर्ली मॉर्निंग आप लोग जो भी उठते हो सबसे पहले उसको लिखो एंड देन स्टार्ट द न्यू एक्टिविटी टुमारो आई नो दिस वीडियो इज लॉन्ग बट इट इज़ ओके इट इज़ सो हेल्पफुल इट वॉज सो एनलाइटनिंग और प्लीज़ ध्यान रखो फटाफट रिश्ते याद करो जहाँ आपके रिश्ते स्पॉइल हो रहे हैं उन्हीं तीन लोगों को ढूंढ के अपनी प्रैक्टिस आज की स्टार्ट करो राइट नाउ मैं तो आज कर रही हूँ कि दिस इज एन आई ओपनिंग फॉर मी तब मैंने बुक पढ़ी थी तब मैंने ध्यान नहीं दिया अब मैंने ध्यान दिया आई एम गोना डू इट राइट नाउ Good luck, darlings. I love you all. And I hope it was easy to understand. Okay? Bye. Bye-bye. Bye-bye. Good day.